Pakistan! नमस्कार, नवतेज टीवी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और गुजरात के अहमदाबाद जो सरकारी अस्पताल है, अहमदाबाद के बाड़ीलाल हॉस्पिटल जो है बीएस हॉस्पिटल के नाम से प्रख्यात जाना जाता है, और काफ़ी यहां पे बेदरकारी घटना एक आज दिखने को मिला है, जो गुजरात के कांग्रेस पार्टी के नेता बरकुद्दीन शेख जी से आज बात करता हूँ इस बात पर। नमस्कार, पूरा घटना के बारे में जरा बताइए। नर्सिंग वालों को बीएस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था और वो उसको मृत जाहिर कर रहा है, तो उसका देहांत हो गया। बाद में जो विधि होती है पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम के बाद में उनके रिश्तेदारों को सौंपने की बात थी, उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार कर्नाटक में थे, तभी इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए, कल हम आकर ले जाएंगे। आज जब उनके रिश्तेदार आए लेकिन लेने के लिए गए, लेकिन वो कंपार्टमेंट खाली था। तो आप कंपार्टमेंट खाली था, और एक हिंदू जो है और एक मुसलमान मृतक है, तो कल जो एक हिंदू थी उसका लाश में अदल बदल कुछ हुआ है क्या? ट्रांसपेरेंसी नहीं, अदल बदल कुछ भी नहीं हुआ, उसकी लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई है। लेकिन नसरिन के बारे में जो है उसकी लाश जरूर दूसरे को सौंप दी गई है। वहाँ ले जाकर वो लोगों ने मुँह दिखा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसको सौंपने के बाद में ऐसा कहा गया कि उसको दफनाया गया, उसको वापस ला रहे ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अगर दफनाया जाए तो देखिए, एक हिंदू कास्ट रिजम है और एक मुसलमान रिजम है, तो एक को जलाया जाता है और एक को दफनाया जाता है, तो एक कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैसे आप सोच सकते हैं? नहीं, पुलिस कह रही है ऐसा कि उसको दफनाया गया, पुलिस पर भी भरोसा कर लेते हैं हम कि चलो लेकर आए तो अच्छी बात है। तो आपको क्या ये मिलेगा लाश वो लेके आने वाले हैं क्या? हमको उम्मीद है कि लानी चाहिए, और हम लोग इंतजार, जब तक नहीं मिलेगा हमको, हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं। तो ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो चुकी और इतनी बड़ी हॉस्पिटल, ये मैं मानता हूँ कि गुनाह बेदरकारी है। इस शहर के मेयर ऐसा कहते हो, सुप्रिंटेंडेंट ऐसा कहते हो कि ये कर्मचारियों ने सौंप दी, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कई बार तो मैं भी लाश लेने आया हूँ, बहुत लंबी विधि होती है ये, उसके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, मुँह दिखाया जाता है, आइडेंटिफाई करते हैं, और खास करके पुलिस स्टेशन के अधिकारी सही करते हैं, बाद में सौंपा जाता है। ये कैसे सौंप दिया? तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग इसके बारे में? इसके बारे में हम लोग पुलिस केस करने जा रहे हैं, गुनाहित बेदरकारी है, इसके सामने पुलिस केस करेंगे। पुलिस केस तो मान लीजिए इतना बड़ा अगर हुआ है तो पुलिस बेदरकारी तो बोलते हैं, बीएस ऑफिसर का बेदरकारी है ही, और मेयर भी बोल रही है जिस तरीके से भाई वो अदल बदल हो गया, और सर्वेंट जो है वो सर्वेंट, लेकिन आपको क्या लगता है सर्वेंट के थ्रू हो सकता है? क्योंकि पोस्टमार्टम में आप भी देखे होंगे काफ़ी जगह होता है, उसमें सिग्नेचर भी होना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि गलत गैर मार के दौड़ने की बात है, अलग रास्ते पे ले जाने का तपास। तो ये एक्चुअली ऐसा देखने को मिलता है अंधेर नगरी चौपट राजा, क्योंकि एक मृतक को लिए परिवार रो करके बिखर जैसे लगता हुआ देख रहे हैं, जैसे आजू बाजू में आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा समा बना हुआ है, लेकिन ये गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत काला धब्बा दिखने को मिल रहा है। पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से एक मृतक पर इस तरीके का कैसे हो गया, इतनी बड़ी भूल क्यों? देखते रहिए नवदेश टीवी में, अहमदाबाद से ललित चौधरी।